एक चीज़ इलम यानी कि नॉलेज होती है और एक चीज़ समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग होती है हम में अक्सरीत का मसला इलम नहीं ये अंडरस्टैंडिंग है यही समझ कभी हमसे बिला वजह कह के लगवाती है कभी यकदम आपे से बाहर करवा देती है क्यों इस क्यों पर हम क्योंकि सोचते कम हैं और यही क्यों इंसान की अंडरस्टैंडिंग बनाती है इस सिलसिले में आज आपको एक मशहूर वाक़ा बताने जा रहा हूँ आप ब्राज़ील का एक मशहूर जर्नलिस्ट था बचपन में स्कूल क्लासरूम में उस्ताद ने उससे पूछा हमारे कितने गुर्दे होते हैं आप ने सुकून से कहा चार गुर्दे उस्ताद का कहका निकल गया क्लासरूम से कहा देखो हमारे दरमियान एक गधा भी मौजूद है आगे बैठे एक तालब से कहा जाओ घास लेकर आओ आज गधे को घास खिलाते हैं बच्चा जब बाहर निकलने लगा तो अप्रिली ने उसे कहा देखो गधे के लिए घास लाते वक्त मेरे लिए काफ़ी का कप भी लेते आना उसताद ने जब यह सुना तो वो यकदम गुस्से से भड़क गया कहा निकलो मेरी क्लास से एक तो गुर्दों का पता नहीं दूसरा मुझे ही गदा कह रहे हो क्लास से निकलते निकलते अप्रैल ने कहा सर आपने पूछा था हमारे कितने गुर्दे होते हैं तो हम दोनों के मिलाकर चार ही गुर्दे बनते हैं अगर आपको जवाब समझ नहीं आया तो प्लीज़ अपना सवाल ज़रूर चेक कर लें तो यही फ़र्क होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में टीचर को नॉलेज था कि हमारे दो गुर्दे होते हैं लेकिन वो उस बच्चे के जवाब को ना समझ सका कि बच्चे ने जवाब क्या दिया है मैंने उसने टीचर ने सवाल क्या किया और उसके बदले में बच्चे ने क्या जवाब दिया है यही फ़र्क होता है नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग में अगर हम अपने नॉलेज के साथ साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी बेहतर बना लें तो बहुत से मसाइल ऐसे होंगे जो जन्म लेने से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे ओके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़